बाकी मुझे नहीं पता क्या सीन है इसका, हमेशा मेरे पीछे ही लगा रहता है। क्या सीन है भाई? अरे उसमें शक नहीं, उससे उधर कोई शक नहीं। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, तो कैसे हैं आप लोग? आए ओ जिंदगी हर मोड़ पे एक नवा रंग दसनी है। तो हबीबी कैसे हैं आप लोग? तो हबीबी अभी तक मैं बैठा हुआ था, इसलिए बैठा हुआ था वीडियो पब्लिश कर रहा था, तो पब्लिश नहीं किया अभी तक, अपलोड वगैरह किया, टाइटल वगैरह लगाया। तो अब सोच रहा हूँ मैं पब्लिश थोड़ा सा लेट करूँ, क्योंकि मूड नहीं बन रहा है आज थोड़ा सा ना, ऑडियंस जो है एक्टिवेट नहीं है। बाकी ये देखो यार, चेहरे की हालत ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखो ना, ये देखो पूरा लाल लाल हो गया है, देखते क्या सीन बनता है। तो फिलहाल निकलते हैं काम के लिए और तैयार होते हैं और मिलते हैं। ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, आज जो भी सीन रहेगा पूरे दिन वो दिखाएंगे। और कल मैं गया था, क्या बोलते हैं वहाँ पे यार, मुबारक मंडी, राजा का महल देखने के लिए। तो हो सकता है आज कहीं और निकलें, शाम को ऐसे फ्री रहता हूँ 5-6 बजे के बाद, तो मैं कहीं भी निकल लेता हूँ। ये देख लो अभी, मतलब टाइम देखो कितना हो रहा है, 8:09 हो चुके हैं, ठीक है ना। बाकी अपना फ़ोन भी ठीक करवाना है, इसका भी वो आ चुका है नोटिफिकेशन अब कि सैमसंग स्टोर पर दे दो भाई, तो वो खुद ही इसको भेज देंगे जहाँ भेजना होगा। तो बस इसका बिल जो है वो मेरे पास नहीं, वो कहीं और है, वो लाना पड़ेगा। बाकी इंश्योरेंस वगैरह इसका आ चुका है, अब ये बहुत सस्ते में ठीक हो जाएगा। कितना खर्चा आता है? 700-800-900 रुपये खर्चा आएगा, जितना भी आएगा। तो वो देखते हैं कितने की डिस्प्ले आएगी, तो उसी हिसाब से इंश्योरेंस वाले कितना देंगे कितना नहीं देंगे, तो वो खुद से बना लेंगे सैमसंग वाले, वो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने एक और सरप्राइज़ सोचा है, वो भी मैं ख़रीद लूँगा, सीखेंगे यार। देखो सीखने की उम्र है यार, तो सीखना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। और ये देखो मेरी आँखों में कितना डस्ट गया था कल लाइब्रेरी में, ये देखो अभी पूरा, मतलब क्या बताऊँ मैं यार। और मेरे सर में दर्द इसी वजह से होती है ना, कि मैं अपनी आँखें नहीं बचा पाता हूँ। किसी ने चश्मा तो दिया था मुझे पहनने के लिए, बोला था ये चश्मा पहन लिया करो यार, तब जाके आप बच जाओगे, लेकिन मैं ये चश्मा नहीं पहनता यार, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार, बोलेंगे लेबर वाला है यार तो चश्मा पहन के रखता है, तो इसलिए मैं नहीं पहनता। सो प्लीज़, ठीक है ना, जो भी होगा देखी जाएगी। तो निकलते हैं, मिलते हैं अब काम में। एक दे सोच से यार पीएफ, तो अभी आपको मैं बताऊं मैं कहाँ पे हूँ, पीछे देखो प्रवीण भैया है, दुकान पे काम करता था ना कभी मैं, आज इसके सामने बैठ के व्लॉग बना रहा हूँ अपना। इधर भी देखो, बाकी इनकम पे स्ट्राइक पड़ी हुई है, तकड़ी हो गए। यह बंदा हमेशा मुझे घूरता रहता है, पता नहीं क्या सीन है इसका यार, हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है। बाकी मुझे नहीं पता क्या सीन है इसका, हमेशा मेरे पीछे ही लगा रहता है। क्या सीन है भाई, क्या चक्कर है? कहते नहीं मेरे पीछे मेरे पीछे पड़ा रहता है, सोल भरने का ख़त्म, अब नहीं मिलेगा कोई। गाइस ये बंदा मेरे पीछे पड़ा रहता है, देखो सोल भर क्यों भरो भाई, नहीं तो चलो ये देख लो भाई, जूतियाँ शूतियाँ मजे से। लेबर मैं हूँ ना, 1500 रुपये थे आड़ी भाई, दे दो मैं अभी करूँगा, लेबर वाला हूँ मैं। अरे उसमें शक नहीं, उससे उधर कोई शक नहीं। तो गाइस अभी मैं अपनी दुकान पे गया था ऐसे मस्ती करने के लिए, बोल रहे हैं बार बार बोल रहे हैं आ जाओ, बट मैं नहीं चाहूँगा, क्यों नहीं चाहूँगा, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी वजहें हैं जो मैं बताना नहीं चाहता। कि वजहें क्या हैं, अगर मान के चलो मुझे बोरी ही उठानी है, तो फिर मैं 800 में उठाऊंगा या 600-500 में उठाऊंगा, ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है। बाकी मैं व्लॉग अभी पब्लिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुबह व्लॉग पब्लिश नहीं किया था, वो रात के लिए रखा था मैंने, तो सो देखते हैं कल के बाद, हो सकता है सुबह नहीं शाम को व्लॉग आए, जो भी होगा यार दिन में मुझे नहीं पता,
अब कल के बाद जो चीज़ें रहेंगी, जब मर्जी व्लॉग मतलब आएगा मेरे पास तभी डाल दूंगा। इंस्टा पे भी स्ट्राइक पड़ी हुई है, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, तो क्या कहीं करेंगे यार। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक क्यों मारते हैं लोग मुझे भी नहीं पता। यूट्यूब पे तो मैंने किसी का कॉन्टेंट रिवील भी नहीं किया। बाकी यार आमिर माजिद ने मुझे इतना फेमस कर दिया यार, समझ नहीं आ रहा यार। आमिर भाई थैंक यू सो मच यार, जहाँ भी जाता हूँ यार लोग बोलते हैं यार तू तो आमिर माजिद से भी मिला था ना, तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। सो आमिर भाई थैंक यू सो मच फेमस करने के लिए बंदे को। तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त मस्त खुश खाते पीते रहो। बाय, टेक केयर, ऑल हाफिज, लव यू ऑल। ये मैंने आमिर माजिद से ही सीखा है, ये चिपका रहा हूँ मैं, तो मेरा कोई पर्सनल डायलॉग नहीं है, तो मैं तो यही बोलता हूँ। मिलते हैं हबीबी, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो और हैशटैग अपना नाम बता दो। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल हाफिज।